एकदम चिंता मत कीजिए। अरे लालूए जी को हम ठंडा कर देंगे, इस सब के लिए चिंता मत कीजिए। एकदम बेफिक्र रहिए, लालू जी के गुंडों को एकदम ठूस ठूस के जेल में बंद करूंगा, कोई बचा नहीं सकता। एकदम बेफिक्र रहिए, ये जो माफिया लोग के चक्कर में है लालू प्रसाद जी, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, एकदम लिस्ट बना रहा हूं। जैसे ही चुनाव खत्म होगा सबको या तो फुलवारी के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो सब नेपाल भागना शुरू कर देगा, इतना स्वस्थ करते हैं। लेकिन अस्वस्थ रहिए साथियों, 15 साल में लालू यादव ने किसी को आरक्षण नहीं दिया, ना पिछड़े को, ना दलित को, ना अति पिछड़े को। लेकिन भाजपा है जो अति पिछड़े को सम्मान देती है, जो उच्च जाति के गरीबों को सम्मान देती है और दलितों को भी सम्मान, देश का राष्ट्रपति बनाकर देने का काम करती है। मंत्री बना, फिर कहा उन्होंने कि मेरी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनेगी, फिर कहा मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी ढोते रह गया, इसको उप मुख्यमंत्री बना दो। फिर दूसरे बेटे को कहा, ये बेटा हमारी अपनी पत्नी पर अत्याचार करते रहा, अपनी पत्नी को भी घर से बाहर निकालने का काम किया, उसको मंत्री बनाया। जब रामकृपाल जी ने मीसा भारती को चुनाव हरा दिया था तो कहा कि राज्यसभा में इसको सांसद बनाकर भेज दिया, और आजकल एक वो टूरिस्ट बेटी भी आई है, अभी आजकल हिंसा फैलाई अभी छपरा में, पूरे बिहार में कहीं हिंसा नहीं हुआ साथियों, किसी की हत्या नहीं हुई, लेकिन लालू प्रसाद के परिवार के गुंडागर्दी के चलते छपरा में एक नौजवान की हत्या हुई। ये समझिए, ये लोग यदि चुनाव में आते हैं तो एकदम गुंडागर्दी करने के लिए आते हैं, लोकतंत्र की हत्या करने आते हैं। एकदम कान खोल कर सुनिए नौजवान साथियों, ये लालू जी का बेटा कहता है आजकल कि हमने रोजगार दिया। अरे तो पापा मम्मी से पूछते नहीं हो, 15 साल में कितने को रोजगार दिया? 1 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दिया। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी और मोदी, नीतीश सुशील मोदी जी ने 15 साल में 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया साथियों। और सभी नौजवानों को आश्वस्त करता हूं, जब विधानसभा के चुनाव में आऊंगा तो 10 लाख का जो नीतीश कुमार का वादा है उस वादा को पूरा करके ही वोट मांगने आऊंगा।